गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। पूर्वांचल के विकास के लिए बनेगी समिति। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सभी संस्थानों और विभागों को एक साथ जुड़ना होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय मेगा वेबिनार के समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली मौजूद रहे सीएम योगी ने कहा, नकारात्मक सोच की वजह से पूर्वांचल का विकास पिछड़ रहा। स्थानीय स्तर पर करना होगा पूर्वांचल की समस्याओं का समाधान। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। कोविड-19 के नियमों के तहत महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के टोल प्लाजा को निशुल्क किए जाने के ऐलान को देखते हुए जिले के सभी टोल प्लाजा पर रहा पुलिस का पहरा। एएसपी ने कहा, स्थिति रही सामान्य। मंडलायुक्त ने किया प्रेक्षागृह, मुक्ता काशी मंच और चिड़ियाघर का निरीक्षण। कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ सेवा आश्रम के संस्थापक बाबा राघव दास की जयंती पर जिला अधिकारी ने किया उनकी प्रतिमा का अनावरण। कहा, अब कुष्ठ सेवा आश्रम का नाम होगा बाबा राघव दास कुष्ठ सेवा आश्रम। सेवा कार्य ही रहेगा आश्रम का मुख्य मकसद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह समझौते के आधार पर 41,999 वादों का हुआ निस्तारण। जमा कराए गए 1,59,49,321 रुपए की नकद की धनराशि। एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में तिवारीपुर थाने पर आयोजित हुआ थाना संपूर्ण समाधान दिवस। थाने का किया निरीक्षण, फरियादियों की फरियाद सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजेंद्र नगर कुष्ठ सेवा आश्रम के अधिकारियों की बैठक। कुष्ठ सेवा आश्रम के विकास पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संपूर्ण थाना समाधान दिवस पर एसडीएम सदर ने गोरखनाथ शाहपुर और गुलरिहा थाने पर सुनी जनता की फरियाद, दिए निस्तारण के निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 20,469। अब तक 330 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 412 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2 चरणों में दिए गए नियुक्ति पत्र वितरण के बाद शेष बचे सहायक अध्यापकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। बीएसए ने कहा, 19 सहायक अध्यापकों को मूल प्रमाण पत्रों की विसंगतियों को दूर करते हुए वितरित हुआ नियुक्ति पत्र। और पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, राजनीति एवं भावी दिशा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का हुआ समापन। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया संबोधित।